हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुणवंत कुमार। एटीजी चैनल में एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए और जानकारी को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर हिट कीजिए। आज का हमारा वीडियो पैडी राइस क्रशर मशीन के डिज़ाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर के है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के लगभग सभी स्टेट्स में चावल की खेती की जाती है, जिसमें धान कटने के बाद दाना अलग करने में भी बहुत समय लगता है। परंतु आज के समय में मशीनों के इस्तेमाल से इसे काफ़ी आसान करने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए आपको इस प्रकार की कुछ मशीनों के बारे में बताते हैं। वैसे तो बाज़ार में बहुत एडवांस मशीनें हैं, जिनका डिज़ाइन जटिल होने की वजह से यह बहुत महंगी और किसानों की पहुंच के बाहर है, और विदेशों में ही ये ज़्यादा यूज़ की जाती है। हम आपको सस्ता, सुंदर और टिकाऊ मशीन के बारे में बता रहे हैं, जो कि एक साधारण किसान के बजट में हो। दोस्तों, मिनिमम हाफ एचपी से लेकर के 1 HP मोटर से चलने वाली यह मशीनें साइज में 1.5 फुट से 2.5 फुट 3.5 फुट तक बनाई जाती है। साइज के हिसाब से तकरीबन 4-5 व्यक्तियों के कार्य करने के लिए इस प्रकार की मशीनें बनाई जा सकती है। इसे बिजली के अलावा डीजल या पेट्रोल द्वारा चलने वाले मोटर से भी चलाया जा सकता है। साइज के हिसाब से मोटर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इस प्रकार की मशीनों में 2 तरह की डिज़ाइन आती है, जिसमें पहला है बॉक्स टाइप पैडी थ्रेशर मशीन, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें इस मशीन में 3 व्यक्ति आराम से खड़े होकर के कार्य कर सकते हैं। जिसकी डिज़ाइन की बात करें तो इसमें राइट साइड में पंखा लगा रहता है और मशीन के अंदर 2 पैसेज होते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाले पैसेज में से हवा आती है और उसके जस्ट ऊपर वाले में से धान का दाना बाहर गिरता है। हवा आने की वजह से धान का साफ ढेर लगता है। परंतु दोस्तों, इसमें कुछ दिक्कतें आती है। पहला यह कि समय के साथ साथ यह मशीन वाइब्रेट करने लगती है, तथा दूसरी बड़ी दिक्कत यह है कि कार्य करते समय पुआल का कचरा सीधे मुंह पर आते हैं, जिससे आँखों को नुकसान होने की अत्यधिक संभावना रहती है। तथा तीसरी दिक्कत यह है कि गलती से पुआल हाथ से छूट जाने पर पुआल मशीन में फंस जाती है और मशीन को बंद करके ही इसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स इसे हमें इस मशीन में फेस करनी पड़ती है। अब आपको बताते हैं पैडी राइस थ्रेशर के दूसरे टाइप के बारे में, जिसे आप लोग इसे पहले मॉडल का अपडेटेड वर्जन भी कह सकते हैं, जिसमें आपको पहले बताई गई 3 प्रॉब्लम फेस नहीं होती, तथा इस मॉडल की कीमत पहले मॉडल के आधे से भी कम होती है। इस मशीन को A-शेप के बेल्ट द्वारा मोटर और मशीन की पुली पर चढ़ाकर चलाया जाता है। मशीन ध्यान रहे, बेल्ट जितना हो सके टाइट रखें और अच्छी क्वालिटी का ही बेल्ट यूज़ करें। बेल्ट जितना टाइट रहेगा, मशीन के दांत उतने ही तेज़ी से रोटेट होंगे और कार्य भी उतनी अच्छी तरीके से और तेज़ी से होगा। मशीन के रिजल्ट की आउटपुट की बात करें तो 2 व्यक्तियों द्वारा 7-8 घंटे कार्य करने पर 7-8 किलो क्विंटल धान निकल जाता है। और ऊर्जा की खपत के बारे में बात करें तो हाफ मोटर द्वारा 8 घंटे मशीन यूज़ करने पर तकरीबन 4-5 यूनिट बिजली खर्च आता है। हाइट में छोटी होने तथा पीछे खड़े होकर कार्य करने के कारण इस मशीन पर महिला, पुरुष तथा बच्चे कोई भी आसानी से कार्य कर सकता है। मशीन के दाएं तरफ पंखा लगा होने से निकलने वाले धान पर लगातार हवा लगने के कारण धान का एकदम साफ ढेर लगता है। इसमें कचरा जमा नहीं होता, जिससे काफ़ी समय बचता है। अंतः मशीन ऑर्डर या बनवाते समय पंखा अवश्य लगाएं, जैसा कि आप इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें पंखा नहीं लगा हुआ है उसमें हमें किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो आप लोग समझ जाएंगे। अब इस मशीन की डिज़ाइन को लेकर एक प्रमुख बात, जिसे आप मशीन का ऑर्डर बनवाते समय ध्यान रखें। मशीन के पीछे दाईं तरफ लगे पंखे को जैसा आप लोग फोटो या वीडियो में देख रहे हैं वैसा ना रखें, क्योंकि इस डिज़ाइन में पंखे की पोजीशन दांत के जस्ट नीचे होने के कारण वहां धीरे धीरे कचरा और धान दोनों मिक्स होने लगता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, तथा हवा न होने के कारण ढेर लग जाता है। इसमें बार बार सब कुछ समय के पश्चात के अंतराल के बाद हमें यह ढेर हटाना पड़ता है। अंतर पंखे की पोजीशन को दांत के जस्ट नीचे न रखकर उसे कम से कम 6-7 इंच दूर रखें, ताकि कचरा और धान दोनों मिक्स होकर के ढेर ना लगे। दूसरी प्रॉब्लम यह है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, जिस मशीन में दांत के दाएं तरफ के बियरिंग वाले हिस्से में पुआल नहीं फंसता, जबकि बाएँ हिस्से में पुआल फंसने लगता है।
कारण इसका यह है कि मशीन में दांत जब घूमते हैं तो घूमने की वजह से वह हवा पैदा करते हैं तथा पंखे से आने वाली हवा से टकराते हैं, जिसके कारण एक हल्का सा चक्रवात बनता है जिससे धीरे धीरे कुछ पुआल बाएं हिस्से में फंसने लगता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बस इतना करना है, मशीन का ऑर्डर देते समय डिजाइन में कुछ चेंजेस करवाएं। दाएं तरफ लगे पंखे को तकरीबन 6-7 इंच और दाएं तथा 6-7 इंच आगे लगाएं, जिससे दोनों हवाएं टकराए नहीं और इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस ना हो। अंततः आपको यही सुझाव है, इसी डिज़ाइन की मशीन का इस्तेमाल करें तथा डिज़ाइन में पंखे की पोजीशन का ध्यान रखें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, उपयोगी लगा तो इसे शेयर कीजिए तथा आने वाली न्यूज़ और नई नई जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन जरूर दबाएँ।